दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड मैप सीरीज के इस वीडियो में आज हम यूरोप के प्रमुख देशों को देखेंगे और उनके सामान्य जो है फिजिकल फीचर हैं, ज्योग्राफिकल फीचर हैं, इन पर ध्यान देंगे। साथ ही प्रमुख देश और उनकी राजधानियों का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले देखें कि हमने एशिया का अध्ययन अपने पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं और मैं आपको बता दूँ कि जब हम टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी की बात भी करते हैं तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि एशिया और यूरोप दोनों को मिलाकर एक ही टेक्टोनिक प्लेट है, जिसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं, और एशिया और यूरोप दोनों एक ही भूखंड में हैं, स्थित हैं। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं जो है यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बाउंड्री ड्रा कर लें ताकि ये स्थिति स्पष्ट हो सके कि यूरोप की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, कितने देश हैं और हमें किन किन पर चर्चा करनी है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से यदि शुरू करें तो ये अटलांटिक ओशन है, फिर यहाँ से अफ्रीका से ये जो है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से अलग होगा, और मेन जो है इसकी सीमा जो आती है एशिया से यूरोप किस तरीके से अलग है ये इस पे चर्चा होती है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा है कि यहाँ से ही यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन जो एशिया को अलग कर रहा है, फिर यहाँ पे है कैस्पियन सी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक सी, और ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है काकेशस माउंटेन, ठीक है। तो और ये जो कंट्री दिख रही है टर्की, ये यूरोप और एशिया दोनों में है। इस तरीके से इधर का पोर्शन जो है ये पूरा यूरोप हुआ और ये एशिया हुआ, ये बाउंड्री बन गई। अब हम इसमें भी बता दें कि कुछ कंट्री ऐसी हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में बिलोंग करती हैं, इसलिए इन्हें यूरेशियन कंट्री कहा जाता है। जैसे उसमें सबसे पहला स्थान है रसिया का, आप देख रहे हैं रसिया का जो पूर्वी जो है एरिया है ये साइबेरिया कहलाता है, एशिया में है, और रसिया का जो पश्चिमी पार्ट है वेस्टर्न पोर्शन वो जो है यूरोप में है, और यहाँ तक कि रसिया की जो कैपिटल मॉस्को है ये भी यूरोप वाले पार्ट में है। फिर इसमें कजाकिस्तान का कुछ पोर्शन है यूरेशियन में, यहाँ पे जॉर्जिया और अजरबैजान का है पोर्शन, साथ में टर्की, ये भी दोनों कंट्री में में बिलोंग करती है कंट्री। अब हम इसको थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं सारी चीज़ों को, जिन चीज़ों पर हमने चर्चा की है कि जो एशिया से यूरोप अलग हो रहा है वो है। सबसे पहले यहाँ देखें आप जो है यूराल माउंटेन्स, जिसके थ्रू ये अलग हो रहा है, ये यूराल माउंटेन्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ। इसके नीचे आप जाएंगे तो ये कैस्पियन सी के बाद ब्लैक सी ये, और ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो है ये काकेशस माउंटेन है, ये आप देख रहे हैं, ये काकेशस माउंटेन, ठीक है। इसके आगे आप जाएंगे तो मेडिटेरियन सी आ जाएगा ये, और यहाँ से अलग होके फिर ये अटलांटिक ओशन। और अफ्रीका से किस तरीके से अलग हो रहा है यूरोप, तो आप ये देखें, ये यूरोप का जो है स्पेन है वो अफ्रीका से अलग हो रहा है मोरक्को से, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, कई बार पूछा है एग्जाम्स में, दोनों को अलग करने वाला है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके इस तरफ जो हो जाएगा ये अटलांटिक ओशन हो जाएगा, और इधर हो जाएगा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, मतलब भूमध्य सागर को जो अटलांटिक ओशन से अलग कर रहा है वो कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जल संधि। अब हम यूरोप के प्रमुख देशों पर नज़र डालें तो हम सबसे पहले हमारी नज़र जो है इसकी उत्तरी छोर पर पड़ती है, जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। ये पांच हैं आप जैसा देख रहे हैं, सबसे पहली आपकी फिनलैंड, ये फिनलैंड है जैसा देख रहे हैं आप, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। इसके बाद हम जाएंगे, ये फिनलैंड के बारे में बता दूं, झीलों का देश कहा जाता है इसे। फिर है ये स्वीडन, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। उसके बगल में आप जाएंगे तो नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे और जो है स्वीडन ही है जहां नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, ये तीन कंट्री हो गए। इसके अलावा यहां आप जाएंगे नीचे डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कोपिन हेगन, और इसकी पांचवी कंट्री जो है यहाँ है आइसलैंड, ये आप देख पा रहे होंगे आइसलैंड, ठीक है। ये हो गया पांचवी कंट्री आइसलैंड। फिर इसके नीचे जाएं हम तो यूके, यूनाइटेड किंगडम वाला एरिया आ जाएगा, ये यूके का एरिया आ जाएगा। इस पर हम चर्चा कर लें तो इस पे मेनली जो हैं इंग्लैंड है, और मैं आप बता दूं आपको, यहाँ ये हो गया आपका इंग्लैंड, यहाँ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों को मिला के जो है ये ब्रिटेन कहा जाता है,
और यदि हम इस पे नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल कर लें तो ये यूके हो जाएगा, ठीक। और ये आयरलैंड अलग कंट्री है जिसकी कैपिटल है डबलिन, ये हो गया आयरलैंड जिसकी कैपिटल है डबलिन। यूके के बारे में मैं और बता दूं आपको एक बार, इंग्लैंड है जिसकी कैपिटल है लंदन, इसमें हम स्कॉटलैंड और वेल्स को शामिल कर लेंगे, हो जाएगा ब्रिटेन। और यदि हम इसमें आयरलैंड के उत्तरी छोर मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब हम बात करें, यहाँ ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस पर आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये आइसलैंड है जो स्कैंडिनेवियन कंट्री था और ये है आयरलैंड, दोनों ही अलग अलग हैं। अब हम यहीं से शुरू कर दें, यहाँ से शुरू कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये है पुर्तगाल, पुर्तगीज जिसकी कैपिटल है लिस्बन, ये वही कंट्री है जहाँ का वास्को डी गामा रहने वाला था, जिसने भारत की खोज की थी और इसने यहाँ से भारत जाने का रास्ता ढूंढा था। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा की खोज के पहले यूरोप के भारत से व्यापारिक संबंध नहीं थे, बल्कि थे, किंतु हुआ ये कि जो टर्की वाला पोर्शन है, ये जो आप देखेंगे टर्की, यहाँ पर तुर्कों का अधिकार होने से ये रास्ता बंद हो गया था। मतलब यदि हम इसको देखना चाहें, ये इंडिया दिख रहा है आपको, ये अब इंडिया, कि तुर्कों के अधिकार के पहले यूरोप का व्यापार जो है इस रास्ते से होता था जो काफ़ी नज़दीक था। जैसे ही इस टर्की वाले पोर्शन में तुर्कों का अधिकार हुआ, इन्होंने व्यापारिक मार्ग बंद कर दिया। अब ऐसी स्थिति में यूरोप को भारत और भारत सहित अन्य एशियाई कंट्री से, दक्षिण एशियाई कंट्री से व्यापार के लिए नवीन मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ी। तब यहाँ जो है इन्वेंशन हुए और इन्होंने जो है सभी, स्पेन है, पुर्तगाल है, सभी देशों ने, इंग्लैंड ने प्रयास किया और सबसे पहली सफलता जो है वो पुर्तगाल को मिली, वास्को डी गामा जो है जिन्होंने भारत की खोज की, इन्होंने इस रास्ते को फॉलो किया। ये अफ्रीका के इस तरफ से होते हुए यहाँ आसान द्वीप के पास गुड होप जो है होते हुए यहाँ से जो है ये रास्ता खोजा गया। आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा था, बाद में आपने देखा यहाँ स्वेज नहर 1869 में स्वेज नहर बन जाने से फिर ये रास्ता फॉलो किया जाने लगा। ये आप ये भी देख रहे हैं यहाँ ये रास्ता, जैसे ही स्वेज नहर यहाँ बन गई तो ये रास्ता फॉलो किया जाने लगा। ये है स्वेज नहर, इसको हमने अपनी एशिया कंट्री वाले वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यूरोपीय कंट्री और इसमें जो है यूरोप कॉन्टिनेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट अभी की दृष्टि से, क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो पुनर्जागरण रिनेसांस की बात हो, क्योंकि इटली से शुरू हुआ यूरोप में फैल गया, औद्योगिक क्रांति की बात हो जो इंग्लैंड से शुरू हुई, या फिर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार की बात आती है जिसमें मुख्य कंट्रीज ने जो पार्टिसिपेट किया था वो यही यूरोपियन कंट्री थी। जो कॉलोनी बनाने की बात हो, उपनिवेश बनाने की बात हो, वो भी ज़्यादातर उपनिवेश जो है नहीं यूरोपियन कंट्री ने बनाने शुरू किए थे, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला पोर्शन। ये चाहे फिर भौगोलिक दृष्टि से हम पढ़ें, चाहे इसको हम इतिहास की दृष्टि से देखें, दोनों दृष्टियों से इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे आ जाएं, हम इसमें सिर्फ प्रमुख फीचर देखेंगे और जो है चाहे वो नेचुरल बाउंड्रीज हों, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट हों या कैपिटल हों, सारी कैपिटल हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। पुर्तगाल के बाद अगला जो है आता है, अगली कंट्री स्पेन, जिसकी कैपिटल है मैड्रिड, और यहाँ हमने पहले भी चर्चा कर चुका है कि ये जो है अफ्रीका से अलग होता है स्टेट जिब्राल्टर स्टेट के द्वारा। आगे हम जाएंगे तो ये होगा फ्रांस, जिसकी कैपिटल है पेरिस, ये फ्रांस है और इसकी कैपिटल है पेरिस, ये पेरिस सीन नदी के किनारे है, आपने आपको पता होगा, और ये जो है इंग्लिश चैनल में जाके सीन नदी गिरती है। पेरिस का जो है इम्पोर्टेंट फ्रांस का है एफिल टावर, ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये एफिल टावर है फ्रांस का। और ये भी मैं बता दूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो फ्रांस और ये फ्रांस और इंग्लैंड, इनकी हमेशा से शत्रुता रही है, और ये जो है अलग जो हुए हैं इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग हुए हैं, ये इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये इंग्लिश चैनल है, इससे अलग हुए हैं। यहाँ देख पा रहे हैं यह इंग्लिश चैनल, और आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहले भारतीय पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था। अब हम आगे बढ़ें, ये यहाँ पड़ जाएगा बेल्जियम, जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसके आगे आप जाएंगे तो नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम,
फिर यहाँ आएंगे जर्मनी, बहुत ही प्रमुख शहर है, देश है यूरोप का, जिसकी कैपिटल है बर्लिन। फिर आप देख रहे हैं डेनमार्क और उसके ऊपर के कम जो देश हैं इनको हम देख चुके हैं। और फिर हम इस तरफ आ जाएं, यहाँ से आप देखें तो ये कंट्री जो है, यह है इटली, जिसकी कैपिटल है रोम। और इसी के बगल में आप एक छोटा सा देश देख रहे हैं मोनाको। और एक देश की और चर्चा करेंगे, यहीं पर जो है रोम के बगल में है वेटिकन सिटी, जो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री है, वेटिकन सिटी। फिर हम इसके ऊपर चले जाएं तो एक बहुत ही सुंदर कंट्री है स्विट्जरलैंड, जिसकी कैपिटल है बर्न। और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ तो यहाँ पड़ेगा ऑस्ट्रिया की कैपिटल होगी वियना। और हम इसके ऊपर जाएं तो यहाँ पर कुछ और कंट्री पड़ जाएंगी, एक इम्पोर्टेंट कंट्री है पोलैंड, जिसकी कैपिटल हो जाएगी वारशा। और फिर हम यहाँ देखेंगे कुछ बाल्टिक कंट्री हैं, बाल्टिक कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी है, इसी से लगी हुई कंट्री है। नाम पर देख लें हम इसमें इम्पोर्टेंट, लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है। फिर ये हो जाएगा आपका बेलारूस, जिसकी कैपिटल है मिस्क। यहाँ आपका आ जाएगा यूक्रेन, जिसकी कैपिटल पड़ जाएगी कीव। और हम इसके सदर्न पोर्शन पे थोड़ा देख लें यूरोप के, तो यहाँ पर हम आप बता दें देख लें इस पोर्शन पे, यहाँ ये आप जो देख रहे हैं बाल्कन कंट्रीज़ पे, नाम पे फोकस कर लें थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रिया, यहाँ से वापस आ जाएं जो देख नहीं पाए थे हम। ये हो जाएगा आपका फ्रांस तक देख लिया था, इटली भी देख लिया था हमने, यहाँ से देखेंगे हम अपना, ठीक है। इटली के बाद आगे ये जर्मनी भी हो गया था, ये चेकोस्लाविया हो गया, इसके बाद ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल है वियना। फिर ये है हंगरी जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट, रोमानिया जिसकी कैपिटल है बुखारेस्ट। ये जो शहर हैं एक डेन्यूब नदी के कारण प्रसिद्ध हैं, और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि डेन्यूब नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, अक्सर कई बार पूछा गया है डेन्यूब नदी के किनारे वाले प्रमुख शहरों के। फिर आप देखें तो यह बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया जिसकी कैपिटल है बेलग्रेड, फिर बुल्गारिया, रोमानिया, ये कंट्री हैं। और यहाँ से आप नीचे देखें तो फिर आ जाएगा टर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा, जो यूरोपियन कंट्री के रूप में जाना जाता है। ये यूरोप की संक्षिप्त जानकारी हुई, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंटिनेंट पे चर्चा करेंगे।